नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विशेष इन्फो टेक्निक्स लिमिटेड, क्या इस कंपनी को बाई करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी ने अपना हाई बनाया था, आप देखेंगे 1.75 रुपये, वहां से यह कंपनी गिरते हुए काफी नीचे आ चुका है। आज इस कंपनी में फिर से आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिला, तो क्या यह कंपनी फिर से एक नया हाई बनाएगा? कंपनी का अगला टारगेट क्या हो सकता है? कहीं ये ऑपरेटर्स की चाल तो नहीं है? अगर आप बाई करते हैं तो आपको किस टर्म के लिए बाई करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, सब कुछ डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो देख लेते हैं इस कंपनी के डिटेल क्या बनते हैं। दोस्तों, आज यह कंपनी क्लोज हुआ है 1.55 रुपये पे, जबकि अगर इस कंपनी के 52 वीक लो की करें तो 5 पैसे का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी के आज के ट्रेडेड वॉल्यूम की, तो आपको 15.49 करोड़ से ज्यादा की क्वांटिटी देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं इस कंपनी का और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर इस कंपनी के डेली चार्ट पे हम डिटेल देखें तो आप देखेंगे कंपनी में काफ़ी बड़ी तेजी आया, कंपनी यहाँ से चलते हुए काफ़ी ऊपर तक निकल चुका था। उसके बाद इस कंपनी में सेलिंग प्रेशर यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिला, कंपनी कुछ दिनों तक लोअर सर्किट पे भी आया। उसके बाद इस कंपनी ने अपना सपोर्ट लिया 1.45 रुपये पे और फिर से बाउंस बैक करना स्टार्ट कर दिया है। तो क्या आपको बाई करना चाहिए? दोस्तों, ट्रेडेड वॉल्यूम तो काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिला, लेकिन अगर इस कंपनी के वॉल्यूम की बात करें तो कुछ खास वॉल्यूम आपको देखने को नहीं मिला है। यानी कि जब तक यह कंपनी 1.75 रुपये का लेवल क्रॉस करके उसके ऊपर नहीं निकल जाता, मेरे ख्याल से फ्रेश एंट्री वाले इस कंपनी से दूर रह सकते हैं। जो लोग बाई करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो चाहे तो बाई कर सकते हैं, या फिर जिन्हें रिस्क लेना पसंद है वो भी बाई करके चल सकते हैं। अगर आप बाई करते तो आपको एक ट्रिक यूज करना चाहिए कि डेली टू डेली जब भी मार्केट ओपन हो 9:15 पे तुरंत आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। यह कंपनी ओपन होगा अपर सर्किट पे, उसके थोड़ा सा नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाकर चलना चाहिए, ताकि यह कंपनी अगर यू टर्न लेकर लोअर सर्किट पे आए तो उससे पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आप टाइम से एग्जिट कर जाएं। इसको आपको करना है 5 से 7 दिन के अंदर। अगर यह कंपनी 5 से 7 दिन का ड्यूरेशन क्रॉस करके उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर आप चाहें तो इस कंपनी को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।